अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेटर 2023। और आज के इस लेक्चर के अंदर सिर्फ हम देखेंगे कि इसका मेन मेन्यू यानी कि इसका इंट्रोडक्शन। तो जब हम इस इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस कुछ ऐसे आएगा। और जिसको ये फाइल चाहिए और जिसने ये डाउनलोड करना हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, उसको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक लगा दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ट्रायल वर्जन नहीं है, या आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसका स्टार्टअप कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू फाइल की। जैसे हम न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ आर्टबोर्ड आ जाएंगे। ठीक है, इलस्ट्रेटर के अंदर आप इसको आर्टबोर्ड बोलते हो और फोटोशॉप इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इलस्ट्रेटर का अपना काम है और फोटोशॉप का अपना काम है। इलस्ट्रेटर पर हम जो काम करेंगे वो आपका बिल्कुल ही अल्टरनेट होगा जो कि आप काम करोगे फोटोशॉप के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास रिसेंट के अंदर आपके पास वो तमाम चीज़ें आएंगी जो कि हम पहले कर चुके होते हैं, वो तमाम काम यहाँ पर शो होता है। नेक्स्ट है आपके पास सेव का ऑप्शन, तो यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स आप डाउनलोड करते हो या फिर अपने कुछ फाइलें आप सेव करते हो बना के, तो यहाँ पर सेव्ड वाले ऑप्शन में शो होंगी। ठीक है, फिर आता है मोबाइल। तो मोबाइल के अंदर आप देखें कि आपको मल्टीपल मोबाइल्स के साइज़ दिए गए हैं, इसको हम बाद में रीड आउट करते हैं, पहले हम ये देखते हैं। तो ये मल्टीपल आपको साइज़ दिए हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आर्ट बोर्ड आप यूज़ करो उसका आप साइज़ यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये विड्थ है, ये इसकी हाइट है, आप पिक्सल के अंदर है, आप इसको चेंज कर सकते हो। फिर आप इसको क्रिएट करोगे तो आपको कुछ तो ये आपका आर्ट बोर्ड एक मोबाइल का क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर हम काम करेंगे अगर मोबाइल के लिहाज से अगर आप कोई काम करते हो। तो अगर आपने न्यू फाइल लेनी है तो आप कंट्रोल एन कर लें या फिर फाइल के अंदर जाके न्यू करें, तो उस पेज पर रहते हुए भी आप न्यू फाइल ले सकते हैं। तो इसी तरह आपके पास ये कुछ वेब के डिज़ाइन हैं, आप इनको भी ओपन करके देख सकते हैं, मल्टीपल पेजेस हैं। ठीक है, कोई एक आप ओपन कर लें तो इसका जो विड्थ और हाइट है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, इसी तरह प्रिंट के अंदर चले जाएंगे तो ये वो तमाम पेजेस हैं जो कि हम प्रिंटर को यूज़ करते हैं। तो प्रिंटर के अंदर भी आपको पता है कि डिफरेंट किस्म के प्रिंटर्स होते हैं जो पेजेस लगाते हैं उनके अंदर, तो वो भी डिफरेंट होते हैं, उनका साइज़ डिफरेंट होता है। तो जब हम ऑन दी डिमांड जो क्लाइंट की डिमांड होती है तो हम उसी के मुताबिक जो चीज़ उसको प्रोवाइड करनी होती है तो हम उसी के मुताबिक अपनी चीज़ को रेडी करते हैं ताकि हम उसको प्रोवाइड कर सकें। और नेक्स्ट है आपका फिल्म एंड वीडियो। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है, तो उन पे आप थंबनेल बना के लगाते हैं तो वो आपको यहाँ से साइज़ देखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो। आपको यूट्यूब का साइज़ चाहिए तो ये आपको 1280x720 पिक्सल, ये यूट्यूब का साइज़ होता है। इस तरह ये मल्टीपल साइज़ आपको दिए गए तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है तो ये भी डिज़ाइनिंग होती है जो कि आर्ट करते हैं, आर्ट बनाते हैं, उनके पेजेस के लिहाज से होती है। फिर यहाँ पर मोर टेम्पलेट है, तो यहाँ पर आप टेम्पलेट देख सकते हैं, ये क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है तो यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट देख के इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी मेन चीज़ की कि यहाँ पर ये वाला क्या चीज़ है। तो जब हम कोई भी अपना काम स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली हम क्या करें कि हम उसका कोई नाम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसका नाम रखते हैं प्रोजेक्ट वन के नाम से। ठीक है, जब हम इसको सेव करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा जी कि ये इस नाम से सेव हो जाएगी। ये आपको 2 से 3 बार चीज़ सेव करने का बोलेगा, यानी कि नाम आप उसका रख सकते हो। ठीक है, तो विड्थ और हाइट है आपकी तो आप इसको चेंज कर सकते हो, जितनी आपका दिल कहता है आप अपनी रख सकते हो, लेकिन दिल नहीं, आप जो क्लाइंट की डिमांड होगी उसके मुताबिक इसको चेंज करें। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको 1200 भी रख सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसको 800 भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होगी इसकी विड्थ और हाइट। नेक्स्ट बात आती है हमारी कि ओरिएंटेशन पे। ये ओरिएंटेशन का क्या मतलब है कि ये जो आपके पास है ये होता है कि आप चारों साइडों पे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर कि हम कोई भी इसकी, ये देखिए ये मोबाइल शेप में आ गया। ठीक है,
तो ये आपका लैंडस्केप में चला गया। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे, ये देखें हाइट और विड्थ इसकी चेंज हो रही है, और जैसे ही आप यहाँ पर ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी इसकी हाइट और विड्थ क्या है, ये चेंज हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही आप ये आर्ट बोर्ड की बात आती है, जब हमने पहले एक पेज क्रिएट किया तो एक वाइट आर्ट बोर्ड आया था, लेकिन आप उसकी तादाद को बढ़ा सकते हैं, हम एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब हम मल्टी कोई डिज़ाइन करते हैं तो हमें ज़्यादा पेजेस चाहिए होते, तो हम एक पेज पे रहते हुए मल्टीपल आर्ट बोर्ड लेते हैं और उसको डिज़ाइन करने में, मैंने अब 4 कर दिया, तो इसका मतलब है कि 4 आर्ट बोर्ड आएंगे ये, ठीक है। तो क्रिएट करते हैं, देखें ये आ गए, ये 4 आर्ट बोर्ड आपके पास क्रिएट हो गए। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम दोबारा से फाइल और न्यू जाते हैं, तो देखें हम 4 से दोबारा एक एक कर देते हैं, क्योंकि हमें एक ही आर्ट बोर्ड पे हम काम करते हैं। और यहाँ पर ये दिया गया है प्लेट, यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये तो आपकी 0 वैल्यू ठीक है, अदरवाइज आप इसको अगर आपने जो पेज है आप उसको सेट भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ना कोई वैल्यू चेंज करें, 0 रहने कोई इशू नहीं है, बाई डिफॉल्ट है, ठीक है। अच्छा, नीचे है जी आपके पास ये कलर मोड है जी, तो कलर मोड के अंदर आपने क्या करना है कि जी आपके पास दो किस्म के होंगे, एक RGB कलर है और दूसरा है जी CMYK के कलर। तो आपको बेहतर है कि आप RGB कलर यूज़ करें, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू का कंट्रास्ट यानी कि होता है इसको कहते हैं, तो आप इसी को यूज़ करें बाई डिफॉल्ट। और यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना जब शुरू करते हैं कोर्सेज को, तो वो ये वाली चीज़ स्क्रीन जो 72 PPI है इसको नहीं देखते, रेजोल्यूशन को, ठीक है, रास्टर इफेक्ट को, क्योंकि ये जो हम यहाँ पर काम करेंगे ये आपका रास्टर इफेक्ट होता है, तो आप इसको देखना चाहिए आपको। तो इसमें जो मेन चीज़ ये होती है कि आप अगर हाई 300 PPI पे काम करते हैं तो आप ज़्यादा फाइलें सेव नहीं कर पाएंगे, तो आपका जो इलस्ट्रेटर है वो आपकी फाइल को सेव नहीं करेगा। तो आप इसको कोशिश करें, स्क्रीन जो 72 PPI की है आप इसी के अंदर रहते हुए इसको पक्का पक्का सेट कर लें, ठीक है, तो इसके अंदर काम करें। प्रीव्यू मोड आपका डिफॉल्ट ठीक है, जब आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा होता है किसी भी चीज़ का, प्रीव्यू ये होता है कि आपको काम कर रहे होते हो तो फिर आपको साथ में नज़र भी आता है, तो डिफॉल्ट ठीक है, आप पिक्सल और ओवर पॉइंट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी मेन चीज़ रहेगी कि आप काम क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक किस में करके दोगे। तो जाहिर सी बात है, अगर वो आपको बताता है कि जी मुझे कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है तो वो इन चीज़ के अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह वो डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज आपको बताएगा, तो आपने क्या करना है कि आपने उन कैटेगरीज को अपने जहन में रखना है, और फिर आपने क्या करना है जी कि उसको उसके मुताबिक ही क्रिएट करना है, चाहे वो पिक्सल के अंदर है, अब पॉइंट्स के अंदर देखें यहाँ PT लिखा आ गया, पॉइंट्स आ गया, पिकास आ गया, नेक्स्ट है आपके पास इंचीज आ गया जी, नेक्स्ट आपके पास फीट है जी, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट किस्म के जो चीज़ें हैं आपने उसको उसी तरह यूज़ करना है और उसको उसी के मुताबिक बनाना है, ठीक है जी। ज़्यादातर काम हम पिक्सल के अंदर करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रो था, हम इसको इंशाल्लाह कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा हम उससे स्टार्ट करेंगे। हमारे जो यहाँ पर टूल्स बार है हम इनको सारे कंप्लीट देखेंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे साथ में लेके चलेंगे, और अगर कोई वीडियो के अंदर मिस्टेक आपको नज़र आती है या कोई भी कुछ कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस आती हैं जो कि मैं ना बता सकूं, तो वो लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि हम उसको दूर करें और अपना जो कोर्स है इसको हम लेके चलें, और फ्रीली आपने क्वेश्चन करने हैं, कोई मिस्टेक है, कोई कुछ किसी तरह की बात है तो आपने मुझसे पूछना है, तो मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।